ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के दौरान वनिता और मैं पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे थे, पहाड़ों के मौसम के बारे में। वाकई गर्मी की छुट्टियां चल ही रही हैं और अब तो कितनी फैमिलीज पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए निकल गई होंगी। बट इन वनिता, यू नो व्हाट, पहाड़ों में ऐसा होता है कि जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहां पे ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ सही कह रहे हो तुम, क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन कम होता जाता है और वैसे भी बाहर से शांत दिखने वाले ये जो माउंटेन्स होते हैं ये अंदर से बहुत मतलब आपके लिए मुश्किल परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं। वनिता पता है, तुम्हारी इस बात से मेरे को याद आया, कल मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक के अंदर दो शख्स थे, दो लोग थे, उनके बारे में एक बात लिखी हुई थी, उनकी कहानी लिखी हुई थी कि उन्होंने ना न्यूजीलैंड में एक माउंट है, माउंट कुक, यू नो, एक का नाम था मार्क इंग्लिश और दूसरे का नाम था फिल डूले। तो इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो माउंट कुक में चढ़ते हैं। माउंट कुक जो है वो बेसिकली न्यूजीलैंड का एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों 1982 में इन्होंने चढ़ाई शुरू करी। जब ये ऊपर पहुंचे तो ये काफी ऊपर तक पहुंच चुके थे, लेकिन बीच में मतलब तापमान इतना बिगड़ चुका था और मौसम भी इतना बिगड़ चुका था कि ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि बीच में एक केव आई, उस केव के अंदर यू नो अपना सारा राशन वाशन जो भी ले रखा था सब लेके उस केव के अंदर उन्होंने मतलब स्टे करा, वहां पे ठहरे वो। लेकिन मौसम जो है वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर भाई साहब मतलब ठंड इतनी बढ़ती जा रही थी कि बस लगातार बढ़ती जा रही थी और तूफान भी बढ़ता ही जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। ये सोच के मुझे डर लग रहा है एक्चुअली में। और पता है मतलब जितना टाइम वहां पे रहे करीबन उनको 12-13 दिन हो गए, उनका राशन हो गया खत्म और बाहरी दुनिया से कोई मदद ही नहीं आ रही थी। तो 13 दिन बाद जब वो वहां पे रहे तो 13 दिन बाद बाहर से कुछ मदद आई, यू नो, और इनको लेकर आया गया वापस, इनको शहर में लाया गया। तो वहां पे जब शहर में वापस आए तो डॉक्टर्स के पास कोई चारा ही नहीं था मतलब इनको ठीक करने का, और डॉक्टर्स को इनके पैर काटने पड़े। That is sad. Actually, but then इनका spirit देखो, इनका हौसला देखो। 2006 में इन दोनों ने दोबारा decide किया, Mark and Phil ने दोनों ने दोबारा decide किया कि हम Mount Cook में चढ़ेंगे। और इस बार ये सफलतापूर्वक Mount Cook में चढ़े भी और बकायदा पूरा ऊपर तक चढ़ के वापस नीचे भी आए, मतलब इन्होंने Mount Cook पे फतेह पाई। एक नुकसान की बात इनकी ये हुई थी कि इनको जब ये वापस आए थे तो इनकी उंगलियां काम करना बंद कर गई थी जिसकी वजह से इनको अपनी उंगलियां कटवानी पड़ी। लेकिन इनका हौसला, इनका जज्बा देखो, विकलांग होते हुए भी इन्होंने माउंट कुक पे दोबारा चढ़े, क्योंकि एक बार जब इंसान के साथ ऐसा कुछ घट जाता है तो वो आई बिलीव उम्मीद ही छोड़ देता है। बट इन्होंने दोबारा 2006 में माउंट कुक पे चढ़ाई करी और बाकायदा प्रॉपर ऊपर तक पहुंचे, फतेह पाई माउंट कुक पे और वापस नीचे आए। I'm sure कि तुम्हारी स्टोरी से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को इंस्पिरेशन मिली होगी। बिल्कुल, क्योंकि इनका हौसला, इनका जज्बा व्यूअर्स है ही इतना स्ट्रॉन्ग। और इसी हौसले और जज्बे के साथ आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, जिनका हौसला और जज्बा कुछ ऐसा ही है, जिन्होंने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को अपने आगे टिकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया और उन पर फतेह पाई। तो I'm sure कि आप उनसे मिलना चाहते होंगे। मैं तो जरूर मिलना चाहती हूँ। सो आइए व्यूअर्स मिलते हैं इनसे। तक फैली हुई थी भाग्य की अनजान राहें, साथ में बहता पसीना और थी लाचार आहें। जो अंधेरों से ना हारी उस अकेली किरण ने ही बो दिए कुछ मधुर सपने और मंगल कामना की। दीप कोई जल गया तो रोशनी की याचना की। औरत जिसने हर लिहाज में अपनी हिम्मत से अपने घर और समाज को अपने वजूद का एहसास कराया। आज के दौर में औरत ने हर क्षेत्र में खुद को प्रूव किया है, समाज में अपना लोहा मनवाया है। कुछ ऐसा ही दृश्य है उत्तराखंड के गांव सेंदुर का। जहां औरतें अपने हक के लिए न सिर्फ आगे आईं, बल्कि समाज के लिए एक उदाहरण भी पेश किया। आज से 6-7 साल पहले यहां था कि शराब की बहुत बुरी हालत थी, मीन्स घर घर पर शराब बनाई जाती थी। पहले ये चर्चा में किसी के दिमाग में भी नहीं था कि इसको बंद किया जाए, केवल एक ही बात थी कि बस रिवाज है, शराब पीनी है, पी रहे हैं, और अगर किसी को नुकसान है तो उस पर दुख मना लिया, दैट्स ऑल, और इससे आगे कुछ नहीं सोचती इनकी। उत्तराखंड के जौनसार इलाके में एक छोटा सा गांव है सेंदुर। यहाँ के लोग पेशे से खेती बाड़ी करते हैं,
लेकिन इस गांव की बढ़ती समस्या की वजह से यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी असर पड़ा है। जिसमें कच्ची शराब का सेवन, जुआ खेलना, पारिवारिक हिंसा अहम समस्याएं थीं। पुरुष सुबह शराब पी रहा है, अब नेचुरली अगर शराब पुरुष पी के सोया रहेगा तो उसके तो सारे दिन भर के काम बंद है, बच्चों से उसे कोई लेना देना नहीं है, और जो उसका मनी पॉकेट, जो उसका पैसा है वो भी वेस्ट हो रहा है। उसे मतलब नहीं है कि घर में खाने के लिए सब्जी है, दूध है या छोटी मोटी और चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, मेन चीज़ें, खाने का तो चलो खेतों में हो जाता है, अगर खांसी है, बच्चे को बुखार है तो उसे कोई मतलब नहीं है। शराब से तो परेशानियाँ बहुत सी हैं, फैमिली बिल्कुल डिस्टर्ब है, महिला भी केवल रो रही है, बस वो कहेगी कि मेरे नसीब में ये लिखा है, मेरा पति शराबी है, इससे आगे उसकी कोई सोच ही नहीं थी। इन महिलाओं ने अपनी कोशिश से गांव के सुधार के लिए कुछ नियम बनाए, जिनमें खास बातें ये थी कि जो भी शराब पिएगा या जुआ खेलेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। शुरू के दिनों में इन महिलाओं की मुहिम में कोई साथ ना था, लेकिन धीरे धीरे इनकी कोशिश रंग लाई। शराब से भी दिक्कत ही थी और ऐसे गांव में गंदगी होती थी, तो हमने जब हमें रूलो कालों से जानकारी मिली, इसने शर्मा भाई जी ने, रेखा दीदी ने, दामिनी दीदी ने ऐसे हमें समझाया, देहरादून मीटिंग में बुलाया, तो हम वहाँ से जानकारी मिली। पहले बार हमने समूह ही बनाया था, 10 औरतों का समूह था, तो जब जानकारी मिली तो सारी औरतों को हमने इकट्ठी की कि महिला मंगल दल बनाओ, गांव की साफ सफाई भी करो, जैसे टीचरों की कमी होती वहाँ भी सारा महिला मंगल दल जाएंगे, गांव की साफ सफाई भी करेंगे, पानियों की साफ सफाई भी करेंगे। तो जब हमें रूलक से जानकारी मिली तभी हमने सब काम कर सका। गांव के लोगों को चेतावनी देने के लिए कई रैलियां भी निकाली गईं, साथ ही उन महिलाओं की भी हिम्मत बढ़ाई जो इस समूह से जुड़ी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कारवां बनता गया और गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। बदलाव बहुत कुछ आया, इनके घरेलू रहन सहन में बदलाव आया है, अपने समय को ये समझने लगी हैं, अपने आप को वो समझने लगी हैं कि हम भी कुछ कर सकती हैं, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, वरना यही सोच के बैठी हुई थी कि बस हमारी किस्मत ऐसी है, हम दूसरे घर की हैं, ये हमारा पति है, ये जो मर्जी कर सकता है। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में इनके अंदर ये है कि नहीं, हम बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर की हमारी भागीदारी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। सेंदूर गांव तरह तरह के अंधविश्वासों से भी घिरा था। इन महिलाओं के प्रयासों से गांव के लोगों को जागरूक किया गया और बढ़ते अंधविश्वास को खत्म करने की मुहिम को जारी रखा। आज ये महिलाएं गांव में साक्षरता का अभियान भी चला रही हैं, जिससे ये महिलाएं खुद को स्वतंत्र रूप से अपने और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। इससे पहले सर, हम जब समूह में आई तो हमने देखा कि ये ठीक से बहुत कुछ समझ नहीं पाती थी। जैसे हमने बोला कि खाता नंबर, तो खाता नंबर क्या है, तो इनको पता नहीं है कि खाता नंबर क्या है। बैंक में हमने कोई नंबर, तारीख, दिनांक या टोटल कितना हुआ, उंगलियों में तो ये कर लेती हैं, लेकिन वैसे अंकों का जैसे इनको ज्ञान नहीं था। तो अभी इसमें फ़ायदे ये हुए कि ज्वार सेंटर में पढ़ के इनको थोड़ा इन चीज़ों का हिसाब किताब, समूह में रख रखाव, रजिस्टर है, ये सब इन्होंने सीखा है। सेंदूर गांव की महिलाओं ने अपनी हिम्मत और हौसले को जिस तरह कायम रखा, ये समाज के लिए एक शिक्षा है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो खुद को लाचार समझती हैं। महिलाओं की इस कोशिश ने ये फिर से साबित कर दिया कि नारी जब जब कुछ करने की ठान कर समाज में आगे आई है, तब तब समाज को एक नई दिशा जरूर मिली है। वाओ, क्या अमेजिंग स्टोरी थी ना। बिल्कुल, मतलब ये कुछ ऐसी बातें होती हैं, ये कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी में और ज्यादा सुधार लाती है, बेहतरी लाती है। क्योंकि जब ये हम अगर जीवन में लो फील करते हैं तो वरता ऐसी जो कहानियां होती है ना, वो एक ऑक्सीजन का काम करती है और हमें दोबारा से रीजेनरेट कर देती है। बिल्कुल, तो इसी एंथुजियास्टिक नोट के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जीवन का आनंद बढ़ाने वाली बातों के बारे में। जीवन का आनंद बताने वाली ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।